इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच जो कि होने वाला है राजकोट में। राजकोट की पिच पहली शो कर दी है जिसमें ग्रास दिख रही है हल्की हल्की, और इंग्लैंड ने दो सिमर खिला लिए हैं जिसमें 11 आई है इंग्लैंड की, जिसमें मार्कवुड और जिमी एंडरसन। ये दोनों में से मुझे एक गेंदबाज जो कि बहुत बढ़िया लगता है जो कि अपना एंडरसन है, जो कि पिच में कुछ भी ना हो फिर भी ये टप्पा पकड़ के डालता है। 40-39 साल का एक्सपीरियंस पूरा है, विकेट टू विकेट डालता है, इसमें ज़्यादातर हेल्प मिल जाती है। और जसप्रीत बुमराह का भी यही है कि पिच में कुछ हो या ना हो ये विकेट पकड़ के डालते हैं कि बैट्समैन गलती करेगा तो विकेट मिल ही जाएगी। फिलहाल इंग्लैंड और इंडिया का देखो विकेट कीपर में जोनी बेस्टो बहुत ही तगड़ा बैट्समैन है, और रिसेंट फॉर्म बिल्कुल उतनी खास नहीं है मगर अच्छा है। दो मैचों में 60-80 पॉइंट देके जा रहा है, आप चाहो तो पिक कर सकते हो। मैन फॉक्स का भी यही है, प्लस कीपरिंग से पॉइंट देगा और बैटिंग से इसने दिए है 50 पॉइंट और कीपरिंग से 52 पॉइंट, तो आप चाहो तो पिक कर सकते हो। केस भरत उतना इम्पोर्टेंट पिक नहीं है क्योंकि मैंने देख लिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई बैटिंग कर नहीं पा रहा है, कीपरिंग से तुम्हें 20 पॉइंट देता हुआ दिख रहा है। तो इंडिया मौका देने वाली है ध्रुव जुएल को, जो कि ये बैटिंग बहुत बढ़िया करता है और मुझे भी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं पिक कर रहा हूँ क्योंकि बैटिंग भी करेगा प्लस बॉलिंग भी करेगा तो अच्छा है। देखो बैटिंग ऑप्शन में बेन स्टॉक बहुत ही टेक्निक प्लेयर है, फर्स्ट मैच में बहुत ही शानदार इनिंग खेल गई है और सेकंड में भी 90 के करीब पॉइंट दिखी है, बड़ा टेक्निक प्लेयर है, आराम से खेलता है, कोई रिस्क नहीं लेता और रिसेंट फॉर्म भी बहुत शानदार है। ऊपर के इंग्लैंड के आउट हो गए तो ये इनिंग बिल्ड करते हुए दिख सकता है। केएल राहुल बाहर चले गए हैं कुछ इंजरी के चक्कर में। रोहित शर्मा बहुत ही शानदार प्लेयर है मगर इनको ना हर मैच में स्टार्ट मिलता है, मतलब 20-30 रन मारते हैं और एक आधी या इनकी किस्मत ख़राब होती है या बॉल इतनी बढ़िया पड़ जाती है जिस पर ये आउट हो जाते हैं, मगर बैट्समैन बहुत शानदार है, हो सके इस मैच में ये चलते हुए दिख सकते हैं। ओली पोप भाई पहले मैच में इसने 200 रन मारे, दूसरे मैच में इसने मारे 65 पॉइंट दिया, और मैंने साफ वीडियो में बोल दिया था भाई जो टेस्ट में 200 और 100 रन मारे ना उसका 99% चांस होता है जो नहीं चलेगा। फिलहाल आप चाहो तो पिक कर सकते हो, अच्छा बैट्समैन है और स्पिन भी अच्छी खेलता है। जैक क्रैवली भाई बर्थडे बॉय है, लास्ट मैच में इसका बर्थडे था और इसने दोनों मैच में 50 मारी, 76 रन 73 रन, मतलब बहुत ही शानदार बैट्समैन है, ओपनर बैट्समैन है। तो ओली पॉप और जैक क्रैवली मुझसे फिलहाल इम्पोर्टेंट थोड़ा ओली पॉप लग रहा है क्योंकि स्पिन अच्छी खेलता है। जायसवाल भाई जायसवाल का तो आप सबको पता ही है, बैटिंग भाई पहले मैच में भी अच्छी कर गया, सेकंड मैच में इसने 200 मार दिया, मतलब फर्स्ट मैच में वो मारता है सेकंड मैच में इंडिया का जायसवाल मार देता है, मतलब समझ रहे हो ना क्या पीछे, और फॉर्म भी बहुत तगड़ी है। और एक चीज़ और देख लो 200 मारने वाला क्या है, आप सबको पता है रिकॉर्ड वो अगले मैच चलता नहीं है, फिलहाल इंडिया का बैट्समैन है इसलिए मैं ले रहा हूँ, मगर रिकॉर्ड कहता है कि जायसवाल फ्लॉप जाएगा। डकेट भाई इसका तो स्ट्राइक रेट टेस्ट में 100 के ऊपर का होता है भाई, पहली बॉल से चौका मारता है, देखो 17 पे 28 पे, मतलब हिटिंग करता है। शुभम गिल बहुत ही शानदार प्लेयर है मगर रीसेंट फॉर्म उतना खास नहीं है, पहला मैच छोड़ के दूसरे मैच में इसने बैटिंग से 66 पॉइंट दिए, 34 रन और 100 रन, मतलब ठीक ठाक इनिंग कर गया और कैचे भी 4 से 5 पकड़ गए। तो रोहित शर्मा की जगह इसको भी प्रेफर दे सकते हो आप। आर पाटीदार मुझे उतना खास बैट्समैन लगा नहीं, दोनों इनिंग में उतना खास कुछ कर नहीं पाया, मैं चाहूँगा सरफराज खान को मौका मिले और वो भी कुछ अच्छा कर सकता है, तो फिलहाल मैं ओली पॉप ले रहा हूँ। ऑलराउंडर की साइड बढ़ते हैं, आर अश्विन लेना ही लेना है, हो सके इनकी 600 विकेट होने वाली है, 600 विकेट के लिए इनको एक विकेट चाहिए और शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, मगर बोलते हैं ना कि थोड़ा सपाट पिच बन जा रही है तो उतना ट्रेंड मिल नहीं रहा, मगर क्वालिटी से विकेट ले रहा है और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। कप्तान वाइस का दावेदार रविंद्र जडेजा आता है सीधा कप्तान का दावेदार होगा क्योंकि विकेट टू विकेट डालता है प्लस बैटिंग भी अच्छी करता है, पहले मैच में 200 पॉइंट दिए थे प्लस बॉलिंग और बैटिंग दोनों से, तो मुझे तो लग रहा है खेलेगा, मैं इसलिए पिक कर रहा हूँ। जो रूट को भी लेंगे भाई बॉलिंग भी डालता हुआ दिखेगा प्लस बैटिंग भी करता हुआ दिखेगा, तो इम्पोर्टेंट है ये भी कप्तान वाइस का। अक्षर पटेल भाई जडेजा आता है तो अक्षर पटेल भी अच्छा परफॉर्मेंस करता दिखेगा, 2 से 3 विकेट हर 2 इनिंग में और प्लस बैटिंग भी कर जाएगा, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेगा। डी लॉरेंस खेलता है तो मुझे अच्छा लगता है मगर खेलेगा नहीं मुझे लग रहा। जसप्रीत बुमराह मुझे लग रहा है रेस्ट लेगा पर मैं इसलिए ले नहीं रहा, मगर गेंदबाज बहुत ही शानदार है, दोनों मैचों में इसने 5-5 विकेटें ली है, मतलब 5-5 विकेट का होल लिया, टोटल इसने 8 से 10 विकेटें ली है 2 टेस्ट मैच में जो कि एक एक सेशन में। कुलदीप यादव खेलता है तो इम्पोर्टेंट है, मुझे लग नहीं रहा इंडिया खिलाएगी क्योंकि
सराज और एक गेंदबाज और खेल सकता है कुलदीप सेन या जो भी खेले। कोरी एंडरसन का मैं दिखा देता हूँ, बॉलिंग भी की थी और 13 रन बैटिंग से भी दे दिया था, और क्या चाहिए। तो एंडरसन भी इम्पोर्टेंट है। कुलदीप यादव का मैं दिखा देता हूँ, मगर मुझे लग नहीं रहा मगर खेलेगा। 80 पॉइंट देके गया था, एक विकेट इसमें, तीन विकेट इधर, एक दो विकेट उधर, मतलब ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस था, मगर अच्छा गेंदबाज। जैक लीच पर्सनल रीजन या किसी इंजरी के कारण बाहर हो गया। हार्टली बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है, क्योंकि देख लो दोनों इनिंग में बैटिंग प्लस बॉलिंग से देख गया, और 150 पॉइंट तो मान के चलो इसके भी, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर जाता है। मुकेश कुमार मुझे एवरेज बॉलर लगता है, और आर अहमद, बशीर को रेस्ट मिला है और आर अहमद आपको पता ही है दोनों मैच में 100 के अराउंड पॉइंट देके जा रहा है, प्लस बैटिंग भी कर ले रहा है। अब एक बैट्समैन ले या कोरी एंडरसन ले या बुमराह ले या कुलदीप ले, फिलहाल तो मैं बैटिंग की साइड आ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि बुमराह खेलेगा तो मैं ले लूँगा। कप्तान तो अपना रविंद्र जडेजा बनेगा, और वाइस अक्षर पटेल या हार्टली या अश्विन, फिलहाल तो मैं अश्विन को बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इस मैच में 8 से 10 विकेट लेता हुआ दिख सकता है। फिलहाल डेमो टीम ध्रुव जुहल है, रोहित शर्मा, ओली पॉप, जायसवाल, गिल, आर अश्विन, जडेजा, जो रूट, अक्षर पटेल, हैटली और आर अहमद। ये इंडिया बैटिंग करती है तो ये मेरी टीम है। फिलहाल इंडिया बॉलिंग करेगी तो क्या टीम बनेगी वो कल देखना पड़ेगा। फिलहाल लाइक और कमेंट के साथ तैयार रहो, मिलते हैं आपको मैच के दिन।